अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? और मैं अपनी न्यू रेसिपी के साथ आ गई हूँ। और आज जो मैं आपको रेसिपी देने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त है, और इसका नाम है जल ज़ीरा ड्रिंक। जी, जल ज़ीरा ड्रिंक एक ऐसा ड्रिंक है और ये बड़ा डाइजेस्टिव ड्रिंक है। आप कोई भी फूड खाएं और उसके बाद ये ड्रिंक्स पिएं तो ये आपको बहुत बहुत टेस्ट भी करेगा और ये आपका फूड भी हज़म करेगा। तो इसके इंग्रेडिएंट्स देखें, ये 2 कप शुगर यानी कि 2 कप चीनी, और 1 कप हमारा यानी कि ये आधा किलो जो है ये हमारी अंबियां हैं। आपने इनको छिलका उतार लेना है, ये देखें, और इसे वॉश कर लेना है। और यहाँ हमारे पास है मिंट, ये देखें, मिंट को भी आपने अच्छी तरह पत्ते तोड़ के और इसे अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है ये क्यूमिन पाउडर यानी कि ज़ीरा पाउडर, आमचूर मैंगो पाउडर, ब्लैक पेपर क्रश, और ये है हमारे पास ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक। तो इसकी जो क्वांटिटी है वो मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ। 1 टेबलस्पून आपने ज़ीरा पाउडर लेना है, 1 टेबलस्पून मैंगो पाउडर यानी कि आमचूर पाउडर लेना है, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर लेना है क्रश, और ये हमारे पास जो ब्लैक सॉल्ट है ये भी 1 टेबलस्पून है, ठीक है। 1/2 kg आपके पास ये अंबियाँ हैं जिनको मैंने छील लिया है। अब आपने यहाँ पे 3 कप पानी लेना है, ये देखेंगे मैंने पानी रखा हुआ है चूल्हे पे। अब ये 3 कप पानी लेके आपने इसमें अपनी ये अंबियाँ डाल देनी है, ठीक है। अब इसमें आपने ये आपकी शुगर, और अब हम इसे देखें पका रहे हैं, ये आपके सामने ही मैं पकाऊंगी ताकि शुगर और आपने अंबियां इन दोनों को आपने अच्छे तरीके के साथ पकाना है। कम से कम कोई 5 से 6 मिनट आप ज़रूर पकाएं ताकि चीनी और ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अच्छा, जब आपने ये दोनों चीज़ें रखनी है यानी कि अंबियां और चिप चीनी डालनी है, तब आपने क्या करना है, 1 टीस्पून यानी कि 1 टीस्पून आपने ज़ीरा पाउडर यानी कि क्यूमिन पाउडर इसके अंदर ऐड करना है। 1 टीस्पून हम करेंगे जब हम इसे ब्लेंड करेंगे, और 1 टीस्पून आपने इसमें ऐड करना है, और अब इसे अच्छा सा पका लेना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त ड्रिंक है, आप ज़रूर इस ड्रिंक को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ड्रिंक कैसा लगा। और जल ज़ीरा नाम है इस ड्रिंक का। ये देखें, ये बॉयल उसमें अब आने वाला है, तो ये हमारी अंबियाँ जो हैं वो अच्छी तरह से ज़्यादा पक जाएंगी। ये देखें, इसमें अच्छा सा बॉइलिंग आ रहा है, और ये अंबियाँ भी देखें हमारी पक रही हैं। 5 मिनट्स के लिए आपने ना इसको पकाना है ताकि इसमें चीनी भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और जो हमने ज़ीरा पाउडर डाला है यानी कि जो क्यूमिन पाउडर है उसका टेस्ट आपके जल ज़ीरे में मस्त आना चाहिए। अच्छा, इसे पकाने के बाद यानी कि हम 5 मिनट जब हम इसे अच्छी तरह से पका लेंगे, उसके बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको बिल्कुल ठंडा कर लेंगे। मैक्सिमम ये 15 से 20 मिनट में ठंडा हो जाएगा। ठंडा करने के बाद इंशाल्लाह ताला फिर हम इसके नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे। अब ये मैंने फ्लेम जो है वो ऑफ कर दिया है ताकि अब ये ठंडा हो जाए। इसे आप बेशक चूल्हे से उतार लीजिए और मैक्सिमम इसे 15 से 20 मिनट के लिए ठंडा कर लें। जब हम इसे ठंडा कर लेंगे तो उसके बाद हम जो हमारा स्टेप होगा वो होगा कि हमने ग्राइंड करना है। हमें थोड़ी सी आइस चाहिए होगी, और 2 कप जो है वो हमारे पास 7 अप, और ये आपके पास ज़ीरा पाउडर, आमचूर, ब्लैक पेपर एंड ब्लैक सॉल्ट। ये हम उस वक्त ग्राइंड में जो है वो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पहले ये हमारा ठंडा हो जाए, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अब आपने बर्फ़ डाल लेनी है जग में,
और ये हमारा मिंट जा रहा है। देखिए 20 से 25 आपने लीफ डाली है, 1 टीस्पून आपका जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर क्रश, 1 टीस्पून आपका मैंगो पाउडर। अब ये हम जो हमने मैं ये जो अंडियां थी और चीनी, अब हमने इसे ग्राइंड कर लेना है। अब इसमें मैं डालूंगी 2 कप 7 अप, और ये बहुत जबरदस्त आपका ड्रिंक तैयार हो रहा है। इंशाल्लाह आप इसे अपनी अफ्तारी के डिश में जरूर बनाएं। अब ये मैं इसे ग्राइंड कर रही हूँ। मेरा ड्रिंक तैयार है। अब मैंने इसे वेजिटेशन भी दे दी है और पिंच मैंने दोनों पे क्यूमिन पाउडर यानी के जीरा पाउडर भी छिड़क दिया है। तो अब ये रेसिपी तैयार है आपके सामने। ये देखें, ये हमारा जल्द ज़ीरा ड्रिंक तैयार है। इंशाल्लाह ताला आप इसे ज़रूर अपनी रेसिपी में शामिल कीजिएगा अफ्तारी के टाइम, और आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये बहुत डाइजेस्टिक ड्रिंक है, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ड्रिंक कैसा लगा। तो इंशाल्लाह ताला मैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ आऊँगी और मज़ेदार सी कोई डिश लेके। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।